अपने केमिस्ट्री की क्लासेज में अपन कल सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विलयनों के प्रकार पढ़ लिए थे, और आज उसी के आगे अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे सांद्रता इकाइयां। तो हेडिंग डालोगे सांद्रता इकाइयां, सांद्रता इकाइयां। अपना नया टॉपिक क्या आज का? सांद्रता इकाइयां, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। देखो, इसमें पहला शब्द आया सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता किसे कहते हैं? तो सांद्रता की परिभाषा क्या होगी कि विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है, विलेय की जितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है वो उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता। तो सांद्रता की परिभाषा देखोगे, विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब अपन सांद्रता इकाई कितने प्रकार की होती है, तो अपन इसमें लिखेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट अगले लाइन में, मुख्यतः सांद्रता इकाइयां, सांद्रता इकाइयों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है, निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो मुख्यतः तीन भागों में बांटा है सांद्रता इकाइयों को। तो तीन भाग अपने कौन कौन से हैं? सबसे पहला अपना भाग है भार, आयतन, प्रतिशत। भार, आयतन, प्रतिशत इकाई। दूसरा है अपना भार, प्रतिशत इकाई। और तीसरा है आयतन, प्रतिशत, आयतन, प्रतिशत इकाई। तो तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, भार आयतन के बारे में, भार भार के बारे में, और आयतन प्रतिशत के बारे में। नोट करो इसको। भार, भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, इसे मात्रक भी कहते हैं, मात्रक। भार आयतन मात्रक, भार भार मात्रक या आयतन मात्रक।
तो अपन ने सांद्रता इकाइयों को कितने कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में, जिसमें अपन सबसे पहला पढ़ेंगे भार आयतन मात्रा। तो पहला अपन डाल दो भार आयतन मात्रा। तो पहला है अपना प्रश्न नंबर भार आयतन मात्रा। तो भार आयतन मात्रक से मतलब क्या है, तो वह सांद्रता इकाई, इसकी परिभाषा दे रहे अपन, वह सांद्रता इकाई जिसमें विलेय की मात्रा तो दी गई हो भार में, भार का मतलब ग्राम में किलोग्राम में, और विलायक या विलयन की जो मात्रा मिलीलीटर में या मिलीलीटर में या लीटर में दी गई। वापिस सुनोगे, भार आयतन मात्रक का मतलब क्या होता है, इस प्रकार की मात्रा की इकाई में विलेय की मात्रा भार में, भार का मतलब ग्राम या किलोग्राम में, और विलायक या विलयन की जो मात्रा है वो मिलीलीटर में या लीटर में दी गई होती है, तो उस प्रकार के मात्रक को भार आयतन मात्रक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट करोगे, इस प्रकार के मात्रक में, इस प्रकार के मात्रक में विलेय की मात्रा भार में, भार का मतलब यहां लिख लो ग्राम में, तथा विलायक या विलयन, विलायक या विलयन की मात्रा मिलीलीटर, या मैं कह दूं कि मात्रा आयतन में लिखो, मात्रा आयतन में, और आयतन का मतलब होता है मिलीलीटर, या ऑब्लिक लगा के लिख दिया लीटर में, दी हुई हो तो, दी हुई हो तो उसे भार आयतन, भार आयतन मात्रक कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे कि भार आयतन मात्रक जो इकाइयां होती है वो ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं। नोट करो तुम, भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं क्योंकि, कारण लिखने के इसका, क्योंकि ताप के बढ़ाने पर, ताप के बढ़ाने पर, बढ़ाने पर आयतन में कमी अथवा वृद्धि, यह मैं लिख सकता हूं, ताप के बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट लाइन कि भार आयतन मात्रा कौन कौन से, तो अपन लिख लेंगे भार आयतन मात्रक इकाइयां। निम्नलिखित है, तो पहला है अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दूसरा है मोलरता, तीसरा है नॉर्मलता। ये सब चीज आपने 11th क्लास में भी पढ़ी, और फोर्थ है फॉर्मलता। ये चारों एग्जांपल है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये चारों के चारों कौन से मात्रक के अंदर आते हैं? भार आयतन मात्रक। क्यों? क्योंकि सभी में मिले की मात्रा किसमें ली जाती है? भार में। भार का मतलब किसमें ली जाती है? ग्राम में। और जिसमें मिले की मात्रा भार में या ग्राम में हो, तो वो सभी मात्रक या इकाइयां कौन से होते हैं? भार आयतन मात्रक। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, सभी में मिले की मात्रा ग्राम में, किलोग्राम में, मतलब भार में ली जाती है, इसलिए सभी भार आयतन मात्रक होते हैं। नोट कर लो, चारों के बारे में पर अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला डाल दो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फर्स्ट नंबर डाल देते हैं अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहला पढ़ रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो इस प्रकार की इकाई में क्या होता है कि विलेय की मात्रा अपन किसमें लेंगे? ग्राम में। तो अपन मैं कह सकता हूं कि विलेय के भार भागों की वह संख्या या विलेय के ग्राम मात्राओं की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में क्या होती है? उपस्थित होती है, उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई की परिभाषा क्या हो जाएगी? विलेय के भार भागों की, भार का मतलब क्या समझ रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो इकाई है वो ग्राम में या किसमें दी हुई है? किलोग्राम में। तो विलेय के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार आयतन में, सो भार आयतन या भाग में विलेय होती है उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई
कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई कहते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई की परिभाषा क्या बोली अपन ने, विलय के भार भागों की वह संख्या। भार का मतलब है या वेट, वेट का मतलब अपन वेट किसमें लेंगे, ग्राम में या किलोग्राम में। तो मैं लिख सकता हूँ विलय के ग्राम में वह मात्रा, या लिख सकता हूँ विलय के भार भागों की वह संख्या जो किसमें, विलयन के 100 भार भाग में। और यहाँ पर विलयन का जो भार होता है, भार होता है वो किसमें लिया जाता है, आयतन में। आयतन का मतलब मिलीलीटर में या लीटर में। तो 100 बार भाग में जो उपस्थित मात्रा होती है वो ही उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या कहलाती है, इकाई। अब देखो यहाँ पर अपन ने विलय की मात्रा तो किसमें ली है, भार। भार का मतलब वेट, तो भार को तो किससे प्रदर्शित करेंगे, डब्ल्यू से। और विलायक या विलयन की जो अपन ने मात्रा ली है किसमें ली है, आयतन में। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से। तो द्रव्यमान तो क्या हो गया डब्ल्यू, आयतन क्या हो गया वी, और अपन इसका क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत। तो इसके आगे क्या लगा दिया, प्रतिशत। तो इस इकाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू बटे वी प्रतिशत से। तो इसी के आगे अपन दूसरी लाइन लिख लेंगे कि इस इकाई को डब्ल्यू अपॉन वी प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नोट करो यहां तक इसको। यहां पर भार की जगह भाग लिखना है, क्योंकि भाग लिख देंगे अपन तो वही फिर ग्राम हो जाएगा। 100 भाग आयतन में विलय शील हो। तो इसका फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे लिख देता हूं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। तो यहां लिख दिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, ऊपर तो अपन को किसकी मात्रा लिखनी है, विलय की। तो मैं यहां लिख दूं विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की मात्रा। और विलय की मात्रा किसमें ले अपन, ग्राम अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। देखो यहां किलोग्राम है तो यहां लीटर हो जाएगा, और यहां ग्राम है तो यहां क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। और अपन इसका क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत। और प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन इनटू में 100। देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को अपन ने किससे प्रदर्शित किया था, डब्ल्यू अपॉन वी। तो इसको मैं इस प्रकार से भी नोट कर सकता हूं, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को किससे प्रदर्शित कर दे, तो यहां पर भार में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वेट डब्ल्यू। और अपन विलय को क्या मान रहे हैं, बी डब्ल्यू बी अपॉन विलयन का आयतन, को विलयन का आयतन, आयतन को किससे लिखते हैं, बी से। और विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं, तो बी ए प्लस ए क्या लिख दू, बी बी, और इंटू में क्या। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा है डब्ल्यू बी, तो यहाँ डब्ल्यू बी से क्या तात्पर्य है, डब्ल्यू बी से तात्पर्य होगा आपका विलय की मात्रा। किसकी मात्रा है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। और यहां मैंने वी ए लिखा है, तो वी ए का मतलब है विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। और वी बी का मतलब क्या होगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन। और विलय और विलायक जब दोनों मिल जाए तो उससे किसका आयतन बन जाता है, विलयन का आयतन। तो विलयन के आयतन की जगह मैंने लिख दिया विलय, विलायक का आयतन प्लस विलय का आयतन।
तो विलायक और विलेय दोनों किसका आयतन हो गया, बिलियन का, और यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो ध्यान रखना जहां भी बी दिखे उसका मतलब तो विलय होता है, और जहां ए दिखे उसका मतलब होगा विलायक। दूसरे चैप्टर में फिक्स याद कर लेना इस चीज को, किसी भी इकाई के साथ बी दिखे तो वो तो प्रदर्शित करेगा विलय को, और किसी भी इकाई के साथ ए दिखे वो प्रदर्शित करेगा किसको, विलायक को। ये चीज अलग से भी नोट कर लेना कहीं ऊपर अपने को, नोट करो इसको। हाँ जी, अब इससे संबंधित अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से संबंधित। तो मैं बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिख देता हूं, आप उसको उतारो एक बार, फिर अपन उसको समझा। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि 2% डब्ल्यू अपॉन वी NaCl के 500 ml विलयन, 500 ml विलयन बनाने के लिए, 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, NaCl की आवश्यकता होगी। ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नोट करो एक बार, फिर समझाते हैं इस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नोट कर लिया, तो अपन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अपन को W अपॉन V प्रतिशतता दिया हुआ है, और अपन जानते हैं अभी पढ़ा है W बटा V का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का अपन फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा
इसमें ग्राम में और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में और इनटू मल्टीप्लाई 100। तो द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता आपको दिया हुआ है कितना परसेंट है, 2%। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब इसको अपन ने W अपॉन V से ही लिखा था, तो W अपॉन V प्रतिशत आपको दे रखे है कितना प्रतिशत, 2। ये चीज आपको दी हुई है। विलयन बनाना है कितना ml, 500 ml, तो आपको टोटल विलयन का आयतन दे रखा है कितना ml, 500 ml। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें 500 ml विलयन बनाने के लिए NaCl की कितनी ग्राम की आवश्यकता होगी, मतलब आपको विलय की, NaCl यहाँ क्या है, विलय, तो विलय की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी आपको, ये वाली चीज निकालनी है। तो अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2। विलय की अपन को मात्रा क्या करनी है, निकालनी है, इसको मैंने ऐसे वैसे लिख दिया विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, WB से, अपॉन विलयन का आयतन आपको कितना दिया हुआ है, 500। तो अपन विलय की मात्रा निकालेंगे इनटू में अपने पास यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में 100। देखो इधर मैं 20 से 20 कैंसिल कर दी, तो WB का मान निकालना है अपन को, मतलब विलय की ग्राम में मात्रा निकालनी है, ये 5 यहां पर डिवाइड में इस तरह भेजूंगा तो किस में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, 2 × 5 = कितना, 10। तो 10 ग्राम आपके किसकी आवश्यकता होगी, NaCl की। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अतः 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। वापिस समझ लो इसको एक बार, फिर वापिस नोट करना। देखो इधर अपन को क्वेश्चन को समझना है पहले, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है प्रश्न के अंदर। अपन को लिख रखा है 2% W/V, तो इतने से तो अपने ये समझ में आ रहा है कि ये जो इकाई है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई। फिर ये कह रहा है कि NaCl के 500 ml विलयन बनाने के लिए, मतलब टोटल विलयन आपको दे दिया कि विलयन का आयतन कितना ml है, 500 ml, तो टोटल विलयन का आयतन अपन को दे दिया 500 ml। अपने पास ये वाली मान दे दिया, अपने पास ये वाली वैल्यू दे दी। अब ये पूछ रहा है कि 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, मतलब NaCl क्या है या विलय, तो अपन को विलय की मात्रा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैंने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की जगह कितना लिख दिया, 2। विलय की मात्रा अपन को WB ज्ञात करनी है और विलयन का आयतन अपन को दिया हुआ है 500, और फॉर्मूले में अपने पास मल्टीप्लाई में 100 रख दिया, 20 से 20 कैंसिल, WB का मान निकालना है तो 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, 2 × 5 = 10 ग्राम, अतः 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। अब नोट करो इसको, तो अपन ने पहले सांद्रता इकाई इसकी पढ़ ली, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई, जो भार आयतन की पहली इकाई थी, भार आयतन की पहली इकाई अपन ने पढ़ ली द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई। अब इसके बाद में भार आयतन की ही दूसरी इकाई अपन ने क्या लिखी थी, मोलरता, तीसरी लिखी थी नॉर्मलता और चौथी लिखी थी फॉर्मलता। तो अपन इसके बाद में दूसरी मोलरता इकाई है अपनी, दूसरी सांद्रता इकाई है मोलरता, उसके बारे में, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बुक के पीछे एक मोलरता से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नॉर्मलता, फॉर्मलता और
मोलर था, ये तीनों आपके 11th क्लास में सिलेबस में, 12th क्लास में नहीं है, तो अपन इसमें मोलर था के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्मल था, फॉर्मल था आपके 12th क्लास में नहीं है। तो अपनी दूसरी इसकी सांद्रता इकाई है मोलर, तो दूसरी इकाई लिख लो मोलर का। तो मोलरता किसे कहते हैं, 11th क्लास में पढ़ाया आपने मोलरता के बारे में कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता, जिसे कैपिटल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता की परिभाषा लिखोगे 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम, बड़ा एम, कैपिटल एम से प्रदर्शित, डिनोट करते हैं। तो मोलरता का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी के आधार पर अपन मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो किसमें ले रखा है अपन ने, लीटर। तो विलयन के मोल अपॉन विलयन का आयतन। यदि मैं विलयन का आयतन लीटर में नहीं लेकर किसमें ले लूं, मिलीलीटर में, तो लीटर में नहीं लेकर मिलीलीटर में ले लूं, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूं, मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें ले लिया मैंने, मिलीलीटर में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। देखो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सबको पता होगा कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने को इसी सूत्र को मैं दूसरे प्रकार से भी लिख सकता हूं। हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से और अणुभार को करते हैं एम डब्ल्यू से, मॉलिक्यूलर वेट। भार का मतलब होता है वेट और अणुभार का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, एम डब्ल्यू। तो मोलों की संख्या याद करने का फॉर्मूला हो गया है, जैसे विलेय के मोल निकालने हैं
तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो इसी को मैं मोल के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, इसी फॉर्मूले में, तो मोलरता बराबर ऊपर आपके पास क्या था, विलेय के मोल। और आपको मैंने अभी समझाया था कि विलेय शब्द के लिए तो अपन किसका यूज कर रहे थे, बी का, और विलायक शब्द के लिए अपन किसका यूज कर रहे थे, ए का। तो इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से समझना कैसे लिखने, विलेय के मोल लिखने हैं। और विलेय के मोल लिखने के लिए देखो यहाँ पर अपन को भार ले रहा है ऊपर, तो W, और विलेय के लिए क्या ले लिया, WB। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, पहले इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, विलेय का भार मोल के स्थान पर लिख रहा हूँ मैं केवल, और ये विलेय का क्या आ जाएगा, अणु भार। नीचे आ गया विलेय का अणु भार, ठीक है। और नीचे विलयन का क्या है, आयतन, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया विलयन का आयतन। और यदि ये विलयन का आयतन किसमें हो, मिलीलीटर में, तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। अब इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोलरता को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, कैपिटल एम बराबर। भार को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। और विलेय का है भार, तो विलेय के लिए कौन सा वर्ड यूज लेंगे, वी, तो डब्ल्यू बी। अपॉन विलेय का क्या, अणुभार, तो अणुभार को किससे लिख दिया, एम डब्ल्यू से। और अणुभार किसका है, विलेय का, तो इसको भी मैंने किससे डिनोट कर दिया, बी से। इंटो 1000, और विलयन का क्या है, आयतन, तो विलयन का आयतन मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए प्लस वी बी। तो वी ए प्लस वी बी का मतलब क्या हो गया, कि विलय का और विलय का दोनों का आयतन होगा जो आपका किसका आयतन कहलाएगा, विलयन का। तो ये फॉर्मूला लिख सकते, एक बार वापिस समझोगे इसको। देखो अपन ने मोलरता बराबर ये पढ़ लिया था, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, लीटर में होता है तो हजार से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और यदि ये मिलीलीटर में है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां तक अपने समझ में आ गया। इसके बाद में अपन ने कैसे लिखा, देखो ये शब्द है मोल, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार। जैसे आप निकाल लो विलेय के मोल, तो फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। यदि आप विलेय के मोल निकालकर निकाल लो विलायक के मोल, तो फॉर्मूला हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। तो मैं यहाँ विलेय के मोल निकाल रहा हूँ, तो विलेय के मोल के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ये सिर्फ मोल के स्थान पर लिख रहा है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार। तो विलेय के मोल, तो विलेय के मोल के स्थान पर लिख दिया विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। फिर यहाँ पर नीचे था विलयन का आयतन मिलीलीटर में, तो मैंने लिख दिया इनटू में विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और ये मिलीलीटर में था इसलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, हजार से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हजार से। अब यहाँ पर मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से।
अब भार भार को वेट वेट का मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और विलय के लिए अपन कौन सा संयुग्म ले रहे हैं? V। और विलाय के लिए कौन सा ले रहे हैं? A। तो यहाँ पर विलय का भार था इसलिए W क्या लिख दिया? V। अणुभार को लिखते हैं मोलिक्यूलर वेट, MW का मतलब है मोलिक्यूलर वेट, MW अणुभार। ये सिर्फ किसको प्रदर्शित करता है? अणुभार। और किसका अणुभार निकाल रहे हैं अपन? विलय का। तो विलय के लिए वही क्या शब्द यूज करेंगे? V। इनटू में क्या है? हजार। और विलय का मतलब होता है विलय प्लस विलायक। और दोनों का क्या निकाल रहे हैं? आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आयतन को बी से प्रदर्शित कर दिया। ए का मतलब हो गया विलायक का आयतन, और बी का मतलब हो गया विलय का आयतन। और विलायक और विलय दोनों का आयतन किसके बराबर होता है? बिलियन के आयतन के बराबर। ये नोट हो गया वो। तो अपनी दूसरी इकाई के बाद तीसरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो गई पहली, दूसरी हो गई अपनी मोलरता, तीसरी अपन लिख लो नॉर्मलता के बारे में। हालांकि आपकी नॉर्मलता फॉर्मलता सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो तीसरी इकाई चलेगी अपनी नॉर्मलता। तीसरी इकाई चलेगी अपनी नॉर्मल। देखो नॉर्मलता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता। वापिस सुनोगे? एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते थे। और मोलरता की परिभाषा क्या लिखी थी कि एक लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और नॉर्मलता के लिए आपको किसका आइडेंटिफिकेशन, किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? ग्राम तुल्यांक के बारे में। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा में किस प्रकार से लिख सकता हूं कि एक लीटर बिलियन में, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नोट कर लो परिभाषा, नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को एन से, कैपिटल एन से लिख लो यहीं सी के साथ, कि इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और साथ में इसी के आधार पर इसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें लिया अपने ऊपर परिभाषा में देखो लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। और यदि लीटर में नहीं लेकर वही मिलीलीटर में लेते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को? 1000 से। ये सिलेबस में नहीं है, छोटी मोटी जानकारी साथ में कॉपी में नोट करो। नॉर्मलता फॉर्मलता दोनों 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, 11th में। Thank you.
इसी के साथ फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूँ, इसी में आपकी बची है फॉर्मलता। फॉर्मलता की परिभाषा भी साथ ही में लिख लो, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिख लो साथ में, फॉर्मलता बराबर कैपिटल एफ से लिखते हैं विलय का ग्राम सूत्र भार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ये आपके प्रॉब्लम का सब तो आज अपन ने सांद्रता इकाई की कैरी इकाई, भार, आयतन, मात्रक इकाई के बारे में बताया, जिसके चार प्रकार की सांद्रता इकाई पढ़ी अपन ने, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, दूसरी पढ़ी अपन ने मोलरता, तीसरी पढ़ी अपन ने नॉर्मलता और फोर्थ नंबर पढ़ी अपन ने फॉर्मलता। तो चारों के बारे में पढ़ लिया। कल की क्लास में अपन दूसरी मात्रक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी मात्रक इकाई थी अपनी भार मात्रक और तीसरा था अपना आयतन मात्रक, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी परेशानी पूछ सकता है, कमेंट्स के माध्यम से ही आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू।